जय माता दी। मित्रों मेरा नाम है पंडित प्रकाश ज्योति, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों आप हर मासिक फल देते हैं लेकिन आप इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल में जरूर ऑन कर दें। मित्रों आज हम चर्चा करने वाले कन्या राशि वालों का अप्रैल 2020 का राशिफल कैसा होगा, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, संतान की स्थिति, संतति की स्थिति, उनके भाग्य, उनके कारोबार की स्थिति, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मित्रों हम ये जानते हैं कि कन्या राशि वाले जातक और जातिकाओं का पिछला ढाई महीना कैसा गया है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ढाई महीने में कौन सी मुख्य घटनाएं हुई है, उसमें से कुछ घटनाएं मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पिछले ढाई महीने में कन्या राशि वालों को कहीं ना कहीं किसी संस्था द्वारा कोई सम्मान प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ परिवार भाव से बड़ा टेंशन रहे, परिवार में वाद विवाद रहा, परिवार में कोई बीमार रहा, इस तरह की स्थिति है और संतान कष्ट इनको रहा है। अब बात कर लेते हैं अप्रैल 2020 में कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के स्वामी हैं कहीं ना कहीं बुध, और बुध बैठे हैं छठे में। तो अप्रैल के महीने में पेट की प्रॉब्लम, सर्दी खांसी जुखाम की, गले की प्रॉब्लम रहने वाली है, 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक आपको ज्यादा परेशान करने वाली है। साथ ही साथ आप धन स्थिति की बात करें तो धन के स्वामी है शुक्र, और शुक्र विराजमान है नवम भाव में और मालव्य योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति काफी बेहतर नजर आने वाली है। विदेश से आपको धन प्राप्त होगा, दूर दराज से आपके पास धन प्राप्त होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने वाला, और आपका धन खर्च भी होने वाला, किसी पार्टी, किसी फंक्शन, किसी मांगलिक कार्य में आपका धन जाएगा भी मित्रों, लेकिन आपको धन अप्रैल के महीने में बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव में बैठे हुए हैं केतु, तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर टेंशन अप्रैल के महीने में बनी रहेगी, और अप्रैल के महीने में आपने प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम किया तो आप आ जाएंगे जबरदस्त टेंशन के अंदर। तो अप्रैल के महीने में आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम ना करें, नहीं तो आपको बहुत तनाव होगा। बात कर लेते हैं संतान भाव की, तो संतान भाव में बैठे मंगल, शनि और गुरु कहीं ना कहीं संतान के किए गए प्रयास अप्रैल के महीने में असफल नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं संतान के लिए स्ट्रगलिंग रहेगा अप्रैल का महीना। अब बात कर लेते हैं नौकरी वालों की, जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी भाव में बैठे हैं बुध, और कहीं ना कहीं नौकरी के आपको अप्रैल के महीने में 2 जगह से ऑफर आने वाले हैं, 2 नौकरियों के योग आपको प्राप्त होंगे। पहली नौकरी का योग आपको 2 तारीख से लेकर 13 तारीख तक प्राप्त होगा, उसके बाद आपको दूसरी नौकरी का योग प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो दाम्पत्य सुख यानी सप्तम भाव में बैठ विराजमान है सूर्य, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीव प्रेमी और प्रेमिका के लिए बहुत अच्छा दाम्पत्य सुख अप्रैल के महीने में रहेगा, और दाम्पत्य और प्रेमी और प्रेमिका या पति और पत्नी के साथ में कहीं घूमने जाने के योग भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको मायके में जाने के योग आपके बने और कुछ समय तक रहने के योग भी बन रहे हैं। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं व्यापार के बारे में, व्यापार के अगर हम बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में, तो व्यापार में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र के योग नजर आ रहे हैं, क्योंकि दशम भाव में बैठे हैं राहु, तो आपको व्यापार में बड़ा ध्यान देना है। व्यापारियों को षड्यंत्र के योग नजर आ रहे हैं अप्रैल के महीने में, कोई आपका पैसा गलत इन्वेस्टमेंट में, अपने फायदे के लिए गलत इन्वेस्टमेंट में लगा सकता है, तो अप्रैल के महीने में आपको पैसा निवेश नहीं करना है, किसी भी डील में आपको पैसा निवेश नहीं करना, नहीं तो आपको होगा बहुत तगड़ा नुकसान। अब बात कर लेते हैं जो कन्या राशि वाले जातक और जातिका जो NRI हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो विदेश में रहते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अप्रैल के महीने में नौकरी में पद प्रमोशन, नौकरी मिलने के अच्छे योग बनते हैं, साथ ही साथ पति पत्नी के, प्रेमी प्रेमिकाओं के रिलेशन में भी काफी सुधार नजर आ रहा है। हाँ, सूर्य के कारण अप्रैल के महीने में आपका कोई चालान, कोई नोटिस आपके घर में आएगा, आपको कोई ना कोई छोटा मोटा भुगतान सरकार को करना पड़ेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो मित्रों ये था कन्या राशि वाले जातक और जातिकाओं का अप्रैल के महीने का राशिफल। मित्रों आप लोग राशिफल पढ़ के मुझे कमेंट करते हैं कि गुरुजी अपना फोन नंबर बताएं, हम अपनी कुंडली जानना चाहते हैं, तो मित्रों मेरा जो नंबर है
7210124289 वो नीचे आ रहा है, वो व्हाट्सएप नंबर है मित्रों। इस पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये लिखकर और अपना मुख्यतया क्या जानना चाहते हैं वो प्रश्न लिखकर आप हमें भेजें, आपको आपके उपाय, आपकी समस्या का समाधान हमारी ओर से जरूर मिलेगा मित्रों। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी।